मरण के उपरांत पुनर्जन्म सुनिश्चित। मरण के उपरांत कुछ समय पश्चात मनुष्य का नया जन्म होता है। इस संबंध में अब उपलब्ध तथ्यों का इतना बाहुल्य है कि संदेह एवं अविश्वास की बहुत कम गुंजाइश रह गई है। पुनर्जन्म के संबंध में नास्तिकतावादियों के अतिरिक्त ईसाई मुस्लिम धर्मों की पुरातन मान्यताएं भी बाधक थीं। ये दोनों धर्म आत्मा का अस्तित्व बने रहने की बात तो कहते हैं, पर साथ ही यह भी बताते हैं कि महाप्रलय के उपरांत जब नई सृष्टि का सृजन होगा तभी नया जन्म मिलेगा। इस मान्यता में लंबी अवधि का प्रतिपादन होने से पुनर्जन्म के प्रति कोई आकर्षण नहीं रह जाता और भले बुरे कर्मों को भुगतने के लिए कुछ ही दिनों बाद नया जन्म लेना पड़ेगा, यह मान्यता न रहने पर उस एकांत अवधि के प्रति निराशा जैसी चिंतन उभरने लगता है। पुनर्जन्म की मान्यता जीवन को अनवरत रूप से गतिशील रहने का विश्वास दिलाती है और प्रगति प्रयासों को तनिक सा विश्राम लेने के उपरांत फिर से गतिशील बनाने का उत्साह उत्पन्न करती है। यह परिणति की बात हुई। जहां तक जीवन के मरण उपरांत के बाद भी बने रहने का प्रश्न है, वहां तक पुनर्जन्म के प्रमाणों से इस तथ्य की भली भांति पुष्टि हो जाती है। इतना विश्वास लोकमानस में सुदृढ़ रह सके तो उसकी परिणति बिना वृद्धावस्था एवं मरण की बात सोचकर निराश हुए उपयोगी उत्कर्ष क्रम को उत्साहपूर्वक जारी रखा जा सकता है। साथ ही दुष्कृत्यों से विनिर्मित हुए कुसंस्कारों का प्रतिफल अगले जन्म में भुगतने की बात को भी बहुत बड़ा बल मिल सकता है। कभी पुनर्जन्म धर्म एवं दर्शन का विषय था, ये दोनों ही क्षेत्र श्रद्धा प्रधान हैं। तर्क प्रमाण जुटाने की आवश्यकता अनुभव की जाए तो धर्म प्रेमियों का ही समाधान हो सकता है। जिनमें तथ्यान्वेषी जिज्ञासाएं हैं उसको बिना आधार प्रमाण पाए संतोष होता ही नहीं। अध्यात्म तत्व ज्ञान की आधारशिला समझी जाने वाली पुनर्जन्म मान्यता को अब वैज्ञानिक अनुसंधान का विषय स्वीकार कर लिया है। उस संदर्भ में जो प्रत्यक्ष प्रमाण मिले हैं उनसे पुरातन असमंजस की स्थिति धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। प्रत्यक्ष प्रच्छन्न नास्तिकतावाद को इन प्रस्तुत प्रमाणों के सम्मुख अपने पूर्वाग्रहों को छोड़ना या शिथिल करना पड़ रहा है। पुनर्जन्म की मान्यता जीवन क्रम में नीतिमत्ता एवं भविष्य की आशा बनाए रहने की दृष्टि से नितांत आवश्यक है। डॉक्टर इवान स्टीवेंसन, डायरेक्टर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइकाइट्री वर्जीनिया यूएसए, पूर्व जन्म संबंधी शोध करने वाले व्यक्तियों के अगुआ माने जाते हैं। इस विषय पर कई शोध ग्रंथ लिखे हैं। अमेरिका के उत्तर पश्चिमी समुद्र के किनारे रहने वाले रेड इंडियनों के पूर्वज हजारों वर्ष पूर्व एशिया से आकर वहां बसे हैं। इन लोगों में से एक व्यक्ति ने अपनी मृत्यु से पूर्व भावी जन्म ग्रहण का भविष्य कथन कर दिया। बाद में उसका अगला जन्म ठीक उसी आधार पर हुआ पाया गया। घटना इस प्रकार है। 1949 में विलियम सीनियर अपने स्थानीय क्षेत्र में मछुओं का अगुआ था। उसने अपने पुत्र और पुत्र वधु से एक दिन कहा कि यदि पुनर्जन्म नाम की चीज सचमुच होती होगी तो मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। मेरे शरीर पर इस समय जहां तहां जो चिन्ह विद्यमान हैं, वे यदि तुम्हारे पुत्र के शरीर पर भी यथावत दिखें, तो समझना कि मैंने ही तुम्हारे गर्भ में अपना नया जन्म ग्रहण किया है। थोड़े ही दिनों बाद मछली मारने जाने पर नाव उलट जाने से समुद्र में डूबकर वह मर गया। इसके कुछ दिनों बाद उस मछुआरे की पुत्रवधु गर्भवती हुई और समय पूर्ण होने पर उसने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम विलियम जॉर्ज जूनियर रखा गया। जैसे जैसे लड़का बड़ा होने लगा, उसके गुण कर्म स्वभाव को देखते हुए उसके माता पिता का यह विश्वास दृढ़तर होता गया कि उस लड़के की केवल आकृति ही नहीं अपितु प्रकृति भी अपने दादा से हूबहू मेल खाती थी। इसके कुछ और भी उदाहरण प्रमाण इस प्रकार हैं। विलियम जॉर्ज सीनियर को बास्केटबॉल खेलते हुए पैर में चोट आ गई थी जिसके कारण वह लंगड़ा कर चला करता था। विलियम जॉर्ज जूनियर बचपन से ही इसी प्रकार लंगड़ा कर चला करता था। इतना ही नहीं, भयप्रद स्थानों पर उसका दादा जिस तरह लोगों को आगाही देते हुए गुस्सा प्रदर्शित करता था वही आदत इसकी भी थी। इतनी कम उम्र में ही वह मछली मारने में अपने दादा जैसी निपुणता प्रदर्शित करने लगा। अपने मित्र संबंधी और परिचितों के बारे में भी वह अच्छी खासी जानकारी रखता था। मरने से कुछ वर्ष पूर्व विलियम ने अपने बेटे को सोने की घड़ी दी थी।
एक दिन विलियम जूनियर के साथ उसकी माँ अपने जेवरों को देख रही थी। जैसे ही लड़के ने घड़ी देखी, उसने कहा, मेरी घड़ी लाओ। घंटों की लड़ झगड़ के बाद भी उस घड़ी पर उसकी ममता कम नहीं हुई। 19 वर्ष की अवस्था तक घड़ी के प्रति उसका आकर्षण बना रहा। इसके पश्चात युवावस्था में प्रवेश करते ही पूर्व जन्म संबंधी सारे के सारे लगाव क्रमशः कम होते चले गए। इस लड़के पर इवान स्टीवेंसन ने किशोरावस्था में परीक्षण किया था। दोबारा युवावस्था में भी उसने प्रयोग करके सारे निष्कर्ष निकाले थे। अपने अनुसंधान के आधार पर इवान स्टीवेंसन ने मृत्यु और पुनर्जन्म की मध्यावधि संबंधी कुछ निष्कर्ष निकाले हैं। उनमें से एक यह है कि भिन्न भिन्न स्थानों पर यह अवधि भिन्न पाई गई है, यथा टर्की में 9 महीने, लंका में 21 महीने, भारत में 45 महीने तथा अलास्का में विजिलेंट इंडियंस में 48 महीने। जिनकी किसी हिंसक घटना अथवा आक्रमण से मृत्यु हुई होती है, उनका जन्म जल्दी होता है तथा वे आमतौर से अपना बदला चुकाने के लिए आते हैं। ऐसे प्रसंग से जन्म श्रीलंका और भारत में 40% तथा लेबनान और सीरिया में 80% पाया गया है। पुनर्जन्म में व्यक्ति का लिंग परिवर्तन भी होता देखा गया है। ऐसे पूर्व देह के सामान्य लक्षण अधिकतर 2 से 4 वर्ष की उम्र में अधिक प्रकट होते हैं तथा 5 से 8 वर्ष की उम्र तक समाप्त हो जाते हैं। डॉक्टर इयान स्टीवेंसन ने पुनर्जन्म के सिद्धांत का निष्कर्ष निकालने से पूर्व 1600 लोगों के पूर्व जन्म का अध्ययन करके कुछ ठोस अवधारणाएं वैज्ञानिक जगत के समक्ष प्रस्तुत की। बचपन से विलक्षण प्रतिभाशाली व्यक्तियों के व्यक्तित्व का कारण पुनर्जन्म के सिद्धांत के द्वारा ही समझाया जा सकता है और इसके मूल में कर्म का अकाट्य सिद्धांत अविच्छिन्न अंग के रूप में जुड़ा हुआ है। प्रोफेसर सी जे डुकास ब्राउन यूनिवर्सिटी ने एक शोध पत्र प्रकाशित किया है जिसका शीर्षक है द डॉक्ट्रिन ऑफ इनकार्नेशन इन द हिस्ट्री ऑफ थॉट। इसमें प्रागैतिहासिक काल से लेकर आज तक की पूर्व जन्म संबंधी अनेक घटनाओं का विवरण है। इसमें एडनर कैसी का भी उदाहरण दिया गया है। अमेरिका में पुनर्जन्म की बातों का प्रचलन एडगर कैसी के प्रयत्नों के फलस्वरूप स्थापित हुआ। एडगर कैसी ने यह दावा किया है कि मैं बाइबिल की समय से लेकर वर्तमान समय की पुनर्जन्म संबंधी सारी घटनाओं को संकलित कर सकता हूं। इन प्रमाणों से पुनर्जन्म की वैज्ञानिकता तो अब तक सिद्ध नहीं हो पा रही है, किंतु पुनर्जन्म की पुष्टि करने वाले सशक्त उदाहरणों की संख्या और प्रामाणिकता दिनों दिन बढ़ती जा रही है। इसमें ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि मनुष्य के लिए जो 2 तत्व आज मान्यता प्राप्त हैं, पहला जेनेटिक हेरिडिटी, दूसरा एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस, इनमें एक तीसरी बात और जोड़नी चाहिए और वह है कर्म का सिद्धांत। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक कार्ल जी जुंग एक बार अफ्रीका में कहीं जा रहे थे। यह उनकी वहां की पहली यात्रा थी। वहां पहाड़ी पर खड़े आदिम जाति के एक व्यक्ति को देखते ही उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे यह उनकी अपनी मातृभूमि है। उस काले व्यक्ति को देखते ही उन्हें ऐसा लगा कि जैसे वह उसी स्थान पर 5000 वर्षों से खड़ा उनकी प्रतीक्षा कर रहा हो। उस गांव में प्रवेश करते ही उनके प्रत्येक स्थान के विषय में उन्हें ऐसा लगा मानो वहां के चप्पे चप्पे से पूर्व परिचित हों। इस प्रकार की घटना के पीछे छिपे सिद्धांत को मनोविज्ञान में डेजाबू नाम से जाना जाता है। जुंग इसी व्याख्या रिकॉग्निशन ऑफ द मेमोरी अननोन कहकर करते हैं। विलियम चैपमैन व्हाइट ने इस विषय पर लिखी अपनी पुस्तक में इस प्रकार की अनेक घटनाओं का वर्णन किया है। इसमें एक इस प्रकार है, श्री व श्रीमती ब्रेलोर्न अमेरिका में पहली बार मुंबई घूमने आए। उन लोगों ने बताया कि मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं इस स्थान से चिरपरिचित हूं। एक रास्ते पर चलते हुए मैंने अपनी पत्नी से कहा कि अगले मोड़ पर एक विशाल चर्च होगा और उससे थोड़ी दूर आगे चलकर जब हम गली पार करेंगे तो डियाइडल रोड आएगा। मेरी पत्नी ने मजाक में कहा, लगता है आप यहाँ पहले कभी आए हुए हैं, इसलिए आपको सभी रास्तों का पता है। यह बात सुनते ही मैं चौंक पड़ा कि मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ के प्रत्येक स्थान से पूर्व परिचित हूँ। हम वहाँ प्रत्येक स्थान पर घूमते रहे और मुझे हमेशा ऐसा लगता रहा कि हर गली और प्रत्येक पुराना मकान मेरी अच्छी तरह देखा भाला हुआ है। मलाबार हिल के पास पहुंचने पर श्री प्रेलोर ने एक बड़े वट वृक्ष के पास खड़े सिपाही से पूछा कि
क्या इस स्थान पर कहीं कोई पुराना मकान था। सिपाही ने बताया कि मेरे पिता उस मकान में काम करते थे, इसलिए मुझे पता है कि वहां पर एक मकान था, लेकिन वह 90 वर्ष पूर्व तोड़ दिया गया। वह मकान किसी ब्रान परिवार का था। सिपाही का उत्तर सुनते ही श्री ब्रेलोर्न ने अपनी पत्नी को याद दिलाया कि उनने भी तो अपने पुत्र का नाम ब्रान ब्रेलोन ही रखा है। इस आश्चर्यजनक संगति को देखकर वे विस्मित रह गए। इस प्रसंग को उद्धृत करते हुए श्री व्हाइट पुनर्जन्म को एक वास्तविकता मानते हैं। बेंगलुरु के मानसिक स्वास्थ्य तथा स्नायु तंत्र विज्ञान के राष्ट्रीय प्रतिष्ठान निमहंस द्वारा किए गए एक अध्ययन में बताया गया है कि परीक्षण किए गए 60 में से 45 मामलों में पुनर्जन्म के दावों पर पर्याप्त व ठोस प्रमाण मिले हैं। अध्ययन के दौरान प्रतिष्ठान के सामने 200 मामले आए, जिनमें से अधिकांश उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब व मध्य प्रदेश के थे। लगभग आधे लोगों ने बताया कि पूर्व जन्म में उनकी अप्राकृतिक मृत्यु हुई थी। पुनर्जन्म की कथाएं सुनाने वाले सभी की आयु 10 वर्ष के भीतर थी। इनमें एक तिहाई संख्या लड़कियों की थी। संस्कारों की महत्ता। पुनर्जन्म किस योनि में या किस स्थिति में होगा, यह मृतक के अपने संस्कार समुच्चय पर बहुत कुछ निर्भर है। जिधर अपना रुझान, झुकाव या अभ्यास होता है, उसी दिशा में मन मुड़ता है और अपने अनुरूप वातावरण तलाश कर लेता है। एक ही बगीचे में भौरा फूल पर बैठता है और गुबरीला सड़े गोबर की मांद ढूंढ निकालता है। संस्कार उसी रुझान को कहते हैं। इसके अतिरिक्त संचित कार्यों के भले बुरे परिणाम भी अपने विधान आकर्षण से प्राणी को अपनी ओर खींच बुलाते हैं। इन्हीं रस्से से बंधा हुआ प्राणी पुनर्जन्म के लिए स्थान एवं वातावरण ढूंढ निकालता है। शास्त्र मत इस संदर्भ में इस प्रकार है। मन से दम शरीरम ही वासनार्थम प्रकल्पितम कृमिकोष प्रकारेण स्वात्मकोश इव स्वयं करोति देहं संकल्पात् कुंभकारो घटम यथा। जिस प्रकार रेशम का कीड़ा अपने रहने के लिए अपने आप ही कोश तैयार कर लेता है, वैसे ही मन में भी अपने संकल्प से शरीर को इस प्रकार बनाया है जिस प्रकार कुम्हार घड़ा बनाता है। काले काले चिता जीवस्त्वन्योन्यो भवति स्वयं भविताकार वानंतर वासना कलिको दयात। अपने भीतर की वासना को मूर्त रूप देने की इच्छा से आकार धारण करने के लिए जीव अपना शरीर बदलता है। श्रीमद् भागवत में एक अत्यंत मार्मिक आख्यायिका आती है, जिसमें देवर्षि नारद ने मरते हुए व्यक्ति को देखा तो उनका अंतःकरण जीव के मायावी बंधन को देखकर द्रवित हो उठा। मृतक के शव के समीप खड़े कुटुंबी जन तथा पुत्र विलाप कर रहे थे। नारद ने जीवात्मा को समझाया, वत्स, इस संसारी बंधन को छोड़कर मेरे साथ चल और जीवन मुक्ति का आनंद ले। किंतु मृतक पिता की आसक्ति विलाप कर रहे कुटुंबियों से जुड़ी थी। नारद की ओर उसने ध्यान नहीं दिया और अपने वासनामय सूक्ष्म शरीर से वहीं घूमता रहा। कुछ दिन बाद उसने पशु योनि में प्रवेश किया और बैल बनकर अपने किसान बेटे की सेवा करने लगा। कुछ दिन पश्चात नारद पुनः आए और बैल के पिंजरे में बंद जीव से मिले और पूछा, तेरा मन हो तो चल और अच्छे लोगों का आनंद ले। बैल ने कहा, भगवन, अभी तो बेटे की आर्थिक स्थिति खराब है, मैं इसे छोड़कर कैसे चलूं? नारद जी चले गए। जीव डंडे खाकर भी बेटे की आसक्ति में डूबा रहा। मृत्यु के समय भी आसक्ति कम न हुई, सो कुत्ता बनकर बेटे की संपत्ति की रक्षा करता रहा। पूर्व जन्मों के संस्कार और मोह भावना में तल्लीन उस कुत्ते को मिलती दुत्कार और डंडे, फिर भी उसने मालिक बने पुत्र का दरवाजा नहीं छोड़ा। देवर्षि नारद पुनः आए और चलने को कहा तो कुत्ते ने कहा, भगवान, आप देखते नहीं मेरे बेटे की संपत्ति को चोर डाकू ताकते रहते हैं, ऐसे में उन्हें छोड़कर कहां जाऊं? नारद ने कहा, वत्स, तू जिन इंद्रियों को सुख व साधन समझता है,
वो तुझे बार बार धोखा देती हैं, फिर तू उनके पीछे बावला क्यों बना है? किंतु कुत्ते की समझ में कहां आती, मानवीय सत्ता तो इसे समझ नहीं पाती। जीव को बेटे के व्यवहार से क्रोध आया और अपना हिस्सा लेने के प्रतिशोध की भावना से कुत्ते का शरीर छोड़कर चूहा बना। उस स्थिति में भी नारद ने समझाया, परंतु उसे फिर भी ज्ञान न हुआ। चूहे से तंग आकर किसान बेटे ने विष मिले आटे की गोलियां रखी, चूहा मर गया। चूहे ने देखा कि इस बार विष देकर मेरा प्राणांत किया गया है। उसका मन क्रोध और प्रतिशोध की भावना से जल उठा, फलतः उसे सर्प योनि मिली। क्रोधित हो सर्प बदला लेने बिल से जैसे ही बाहर निकला कि घर वालों ने उसे लाठियों पत्थरों से कुचल कुचल कर मार डाला। अब नारद जी ने उधर जाना ही व्यर्थ समझा, क्योंकि वे समझ चुके थे कि अभी वह प्रतिशोध की धुन में चींटी मच्छर मक्खी न जाने क्या क्या बनेगा। भौतिक शरीर के साथ सदा सर्वदा के लिए जीवन की समाप्ति नहीं हो जाती। नए कलेवर के रूप में जीव अपने कर्मानुसार परिस्थितियां लिए पुनः प्रकट होता है। इस तथ्य की पुष्टि धर्म ही नहीं तर्क एवं प्रमाण भी करने लगे हैं। विज्ञान भी दबी जुबान में पुनर्जन्म का समर्थन करने लगा है। सच्चाई को और भी गहराई से परखने के लिए वैज्ञानिक प्रयासरत है। वह दिन दूर नहीं जब पुनर्जन्म तथा उससे जुड़ा कर्म फल का अकाट्य सिद्धांत सर्वत्र स्वीकार होगा। तब निश्चित ही मानव जाति को जीवन यापन के लिए स्पष्ट आचार संहिता प्राप्त होगी। विज्ञान सम्मत मूल्यों के आधार पर जीव जीने वालों के लिए वह अनिवार्य है भी। मरने वाला फिर भी जन्मेगा, वह भ्रम अब क्रमशः छटता जा रहा है जिसमें मरणोत्तर जीवन एवं पुनर्जन्म से इनकार किया जाता था। ईसाई और मुस्लिम मान्यताओं के अनुसार सृष्टि और प्रलय के मध्य मात्र एक बार जन्म होता है। दूसरे जन्म की बात प्रयत्न से न्याय हो जाने के बाद ही संभव होती है। सृष्टि और प्रलय के मध्य अरबों वर्ष का अंतर होना चाहिए। इतनी अवधि के बाद जन्म होना एक प्रकार से निराशाजनक ही माना जाएगा, और यही कहा जाएगा कि अवसर उसके हाथ से प्रायः सदा के लिए चला गया। दूसरा वर्ग प्रत्यक्षवादियों का है, जो आत्मा का अस्तित्व ही स्वीकार नहीं करते और कहते हैं शरीर के साथ ही जीवन का आरंभ होता है और उसकी समाप्ति के साथ उस सत्ता का सदा सर्वदा के लिए अंत हो जाता है। उसकी दृष्टि में जीवन ही जीव है, जीवन की समाप्ति के साथ ही जीव का आत्यंतिक अंत है। इन प्रतिपादनों को पुनर्जन्म की घटनाएं चुनौती देती हैं और पूछती हैं कि पुनर्जन्म की स्थिति से संबंधित जो प्रामाणिक घटनाएं सामने आती रहती हैं, फिर उनका कारण क्या है? ऐसी घटनाएं संसार भर में घटित होती पाई गई हैं, जिसमें बच्चों ने अपने पूर्व जन्मों के विवरण न केवल सुनाए वरन उन अपरिचित स्थानों पर पहुंचकर वस्तुओं एवं व्यक्तियों को पहचाना तथा घटित हुए घटनाओं का ऐसा विवरण बताया है जिसके संबंध में कुछ संबद्ध लोगों के अतिरिक्त अन्यों को कुछ पता ही नहीं हो सकता था। ऐसी दशा में सिखा पढ़ाकर कुछ कहला लेने का संदेह भी नहीं किया जा सकता। बिहार के दरभंगा जिले के बेहरा नामक स्थान के निवासी श्री ब्रज किशोर वर्मा एक होम्योपैथ डॉक्टर थे। उनके यहाँ एक कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम कुमकुम रखा गया। बचपन से ही वह अपनी दादी श्रीमती गंगावती वर्मा से अत्यधिक स्नेह रखती थी। एक दिन दादी अम्मा बच्चों को चूड़ा परोस रही थी, तभी कुमकुम बोली, दादी अम्मा आपकी ही तरह मैं भी अपने बच्चों को चूड़ा परोसा करती थी। मैं सच कह रही हूँ दादी अम्मा, मेरा घर दरभंगा में ही उर्दू बाजार में है। घर के लोग प्रारंभ में उसकी बातों में काफी रस लेते थे। कुमकुम उनके हर प्रश्न का ऐसा उत्तर देती थी मानो सचमुच वह किसी संपन्न घर की पुरखिन हो। लेकिन कुछ ही दिनों में उसके माता पिता उससे परेशान हो गए। वे समझ नहीं पाते थे कि 3.5-4 वर्ष की बच्ची को कैसे समझाया जाए। एक दिन बेहरा में मेला लगा था। कुमकुम की माँ ने उस दिन सोने के लॉकेट वाली चेन और नई साड़ी पहनी। कुमकुम को भी नई फ्रॉक पहनाई गई। माँ के गले की चेन देखकर उसने कहा, मेरी चेन तुम्हारी चेन से अधिक चमकीली थी, मैं भी गहने पहनूंगी। मैं अपनी तिजोरी से पैसा निकालूंगी और बहुओं से मिलने जाऊंगी। इस प्रकार से हट करते हुए वह रोने लगी। वह अक्सर अपने पूर्व जन्म के बहु बेटों से मिलने के लिए मचलने लगती थी।
आखिर डॉक्टर ब्रज किशोर वर्मा ने दरभंगा राज के एक स्पेशल अफसर और अपने अंतरंग मित्र पंडित हरिश्चंद्र मिश्र के सामने अपनी यह विषम समस्या रखी। उन्हें यह मामला अपनी पकड़ से बाहर होता प्रतीत हो रहा था। पंडित जी ने सोचा, हो ना हो यह मामला पुनर्जन्म का है। सो कुमकुम से स्वयं पूछने पर उन्हें ज्ञात हुआ कि उसके उर्दू बाजार वाले घर के सामने एक शिवजी का मंदिर था, जहां वह नित्य नियमित रूप से पूजा करने जाया करती थी। उसकी बहू ने जहर खिलाकर उसकी जान ले ली। उन लोगों के यह पूछने पर कि वे उसके घर को कैसे पहचानेंगे, उसने बताया कि मेरे घर के पीछे एक सिनेमा घर है। डॉक्टर वर्मा कुमकुम की सूचना और पंडित हरिश्चंद्र मिश्र की सहायता से कुमकुम के पूर्व जन्म के मकान को बिना किसी दिक्कत के खोजने में सफल हो गए। घर के मुखिया मिश्रीलाल, कुमकुम के पूर्व जन्म का बड़ा बेटा, ने घर के बाजू में बने पोखर के बारे में बताया कि वह उसकी माँ के जीवन काल में ही तैयार किया गया था। पड़ोसियों ने यह भी बताया कि मिश्रीलाल की माँ ने एक पूंछ कटा सांप भी पाल रखा था, जिसे वह बड़ी हिफाजत से रखती थी। वह एक धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी और मंदिर में भगवान शंकर की पूजा किए बिना वह भोजन नहीं करती थी। पारलौकिक विद्या के प्रसिद्ध विद्वान डॉक्टर इवान स्टीवेंसन ने कुमकुम के पूर्व जन्म के विवरणों का अध्ययन कर उसे सही पाया। उस समय वे पुनर्जन्म की सत्यता की जांच के सिलसिले में विभिन्न देशों का भ्रमण करते हुए भारत आए थे। डॉक्टर स्टीवेंसन ने बताया कि मृत्यु के समय व्यक्ति की जैसी बुद्धि होती है, वैसा ही अगला जन्म होता है। आफ्टर डेथ नामक पुस्तक सन 1879 में प्रकाशित हुई थी। तब से अब तक इसके लगभग 20 संस्करण कई भाषाओं में प्रकाशित हो चुके हैं। इसमें जूलिया नामक लड़की का विवरण बड़े ही मार्मिक ढंग से लिखा गया है। जूलिया बहुत ही सुंदर एवं बहुत ही रंगीन स्वभाव की लड़की थी। उसके अनेक मित्र थे। मित्रों से वह कहा करती थी कि यदि मेरी मृत्यु हुई तो भी मिलती अवश्य रहूंगी। संयोगवश 12 दिसंबर 1891 में उसकी मृत्यु हो गई। उसकी प्रेतात्मा अपने मित्रों से मिलने के लिए भटकने लगी। इस बात को उसके सभी मित्रों एवं अन्य अपरिचित व्यक्तियों ने स्वीकार किया और बताया कि जूलिया की आत्मा अपने मित्रों के लिए भटकती रहती है। वह उन्हें देखती है पर स्वयं न देखे जाने या स्पर्श जन्य अनुभूति का आनंद न प्राप्त कर सकने के कारण वह उद्विग्न एवं खिन्न रहती है। कुछ वर्ष पूर्व नागपुर के एक स्थानीय अस्पताल में श्रीमती उत्तरा हुद्दार को चर्म रोग की चिकित्सा के लिए भर्ती किया गया, लेकिन वहीं से उन्हें विचित्र दौरे आने शुरू हुए। पहले वे 10-15 मिनट तक ही उस अवस्था में रहती थी, लेकिन बाद में वही स्थिति 10-15 दिनों तक के लिए रहने लगी। अंग्रेजी और मराठी के अलावा कोई अन्य भाषा न तो वे और न उनके परिवार में ही कोई जानता था, लेकिन उक्त अवधि में वे धारा प्रवाह बंगला बोलते हुए अपने को सप्तग्राम की निवासी शारदा नामक महिला बताती थी। यों तो ये दौरे उन्हें आकस्मिक रूप से ही आते थे, लेकिन एक बार जब उनके भाई कैमरे से उनकी तस्वीर लेने जा रहे थे, वह अचानक चीखते चिल्लाते हुए भागने लगी। पूछने पर उन्होंने बताया कि मेरा भाई गले में काला सांप लटकाए मुझे मारने आ रहा है। बड़ी मुश्किल से उन्हें पकड़ा जा सका। श्रीमती उत्तरा हुद्दार 47 वर्ष की आकर्षक, सौम्य व्यक्तित्व वाली, सुशिक्षित गृहिणी थी तथा नागपुर की एक स्थानीय यूनिवर्सिटी में मराठी की व्याख्याता थी। उनका यह व्यवहार सभी को विचित्र लगा। परिवार वाले किंग कर्तव्य मूढ़ थे। आखिरकार इस लाइलाज मर्ज से परेशान होकर उन्होंने मनोचिकित्सकों की शरण ली। स्थानीय अस्पताल के डॉक्टरों ने इस केस को डॉक्टर स्टीवेंसन को सौंप दिया। इस कार्य में डॉक्टर स्टीवेंसन के साथ कलकत्ता, कोलकाता के दो अन्य परामनोवैज्ञानिक डॉक्टर आर के सिन्हा तथा प्रोफेसर विपिंद्र पाल भी कार्यरत थे। इन तीनों ने मिलकर उत्तरा हुद्दार की केस हिस्ट्री तैयार की। जब जब दौरा पड़ता और उत्तरा अपनी पिछली कहानी दोहराती, डॉक्टर उसे टेप रिकॉर्ड कर लेते। उत्तरा के व्यवहार का मनोवैज्ञानिक अध्ययन भी किया गया। अनेक प्रयोगों के बाद उत्तरा के पिछले जन्म अर्थात शारदा के जीवन की कहानी का लेआउट सा तैयार हुआ। शारदा का जन्म सप्तग्राम बंगाल में लगभग 150 वर्ष पूर्व हुआ था। उसकी माँ शायद बहुत ही पहले मर चुकी थी, इसलिए शारदा का पालन पोषण उसकी मौसी ने किया था। उसके पिता ब्रजनाथ चट्टोपाध्याय
एक प्रसिद्ध कंकाली मंदिर के प्रधान पुजारी थे। सोमनाथ और यतीन्द्रनाथ उसके दो छोटे भाई थे। शारदा के पति विश्वनाथ एक वनस्पति विशेषज्ञ थे। शारदा मां बनने के दो अवसर खो चुकी थी। तीसरी बार प्रसव काल से लगभग 3 माह पूर्व एक दिन आंगन में बैठी धान साफ कर रही थी। पास की झाड़ियों से निकलकर एक नाग ने उसे डस लिया। शोर सुनकर काफी लोग इकट्ठे हो गए। शारदा के पति को भी सूचना दी गई, जो खुद भी किसी सर्पदंशित व्यक्ति के इलाज के लिए पड़ोस के गांव में गए हुए थे। समाचार सुनते ही वे घोड़े पर दौड़े चले आए। शारदा अपने प्रलापों में भी कहा करती थी, देखो मेरे पति घोड़े पर चढ़े चले आ रहे हैं, लेकिन जब तक जहर काफी फैल चुका था, अतः शारदा बचाई नहीं जा सकी। डॉक्टर स्टीवेंसन के अनुसार जिनकी मृत्यु किसी उत्तेजनात्मक आवेशग्रस्त मनःस्थिति में हुई हो, उनमें पिछले जन्म की स्मृति अधिक स्पष्ट रहती है। दुर्घटना, हत्या, आत्महत्या, प्रतिशोध, कातरता, मोहग्रस्तता, अतृप्ति का विक्षुब्ध घटनाक्रम प्राणी की चेतना पर गहरा प्रभाव डालता है और वे उद्वेग अगले जन्म में भी स्मृति पटल पर उभरते रहते हैं। जिस व्यक्ति से अधिक प्यार या द्वेष रहा हो, उसका विशेष रूप से स्मरण बना रहता है। डॉक्टर स्टीवेंसन के शोध रिकॉर्ड में एक 5 वर्षीय लड़की की घटना है, जो हिंदी भाषी परिवार में जन्म लेकर भी बंगला गीत गाती है। बंगला गीत गाती और उसी शैली में नृत्य करती थी, जबकि कोई बंगाली उसके घर परिवार के समीप नहीं था। उसने अपना पूर्व जीवन सिलहट से संबंधित बताया। इस जन्म में वह जबलपुर में पैदा हुई, लेकिन उसकी पूर्व जन्म की स्मृतियां 95% सही साबित हुई। इंग्लैंड के नॉर्थम्बर लैंड के श्री पोलक की दो लड़कियां सड़क पर मोटर की चपेट में आकर मर गईं। बड़ी लड़की जोआना 11 वर्ष की थी तथा छोटी जैकलिन 6 वर्ष की। दुर्घटना के कुछ समय बाद श्रीमती पोलक गर्भवती हुई तो उन्हें न जाने क्यों हमेशा यह महसूस होता था कि उनके गर्भ में वे ही जुड़वा बच्चे हैं। डॉक्टरी जांच करवाने पर उनकी धारणा सही साबित हुई। बाद में दो लड़कियों का ही जन्म हुआ तथा उनमें एक का नाम गिलियन और दूसरी का नाम जेनिफर रखा गया। ये अपने पूर्व जन्म के सभी चिन्हों को अपने शरीर पर धारण करके ही जन्मी थी। इन दोनों को अपनी मृत बहनों के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया था, लेकिन वे अपने पूर्व जन्म की घटनाओं की आपस में चर्चा करती हुई पाई गई। समयानुसार उन्होंने अपने पूर्व जन्म के इतने प्रमाण प्रस्तुत किए कि लोगों को यह मानने को बाध्य होना पड़ा कि दुर्घटना में मरी बहनों ने भी इस बार एक साथ ही पुनर्जन्म लिया है। निरंतर गतिशील जीवन प्रवाह। पुनर्जन्म होने और पूर्व जन्म की स्मृति बनी रहने वाली घटनाओं की श्रृंखला में एक कड़ी माइकल शेल्डन की इटली यात्रा की है। इटली में तो प्रत्यक्षतः उसे कुछ आकर्षण नहीं था और ना कोई ऐसा कारण था जिसकी वजह से इस यात्रा के बिना उसे चैन ही न पड़े। कोई अज्ञात प्रेरणा उसे इसके लिए एक प्रकार से विवश कर रही थी। माइकल ने यात्रा के कुछ ही पूर्व एक स्वप्न देखा कि वह इटली के किसी जानी पहचानी गली में घुसकर एक पुराने मकान में जा पहुंचा है। जीने में चढ़ते हुए वह चिर परिचित दुमंजिले कमरे में सहज स्वभाव घुस गया और देखा एक लड़की घायल पड़ी है। उसके गले पर छुरे के गहरे घाव हैं और रक्त बह रहा है। अनायास ही उसके मुंह से निकला, मारिया मारिया घबराना मत, मैं आ गया हूं। सपना टूटा। शेल्डन इस विचित्र स्वप्न का कुछ मतलब न समझ सका और आतंकित बना रहा। फिर भी यात्रा तो उसने की ही। जब वह जिनोवा की सड़कों पर ऐसे ही चक्कर लगा रहा था तो उसे वही स्वप्न वाली गली दिखाई पड़ी। अनायास ही पैर उधर मुड़े और लगा कि वह किसी पूर्व परिचित घर की ओर चला जा रहा था। स्वप्न में देखी कोठरी यथावत थी। वह सहसा चिल्लाया, मारिया मारिया तुम कहां हो? जोर की आवाज सुनकर पड़ोस के घर में से एक बुढ़िया निकली। उसने कहा, मारिया तो कभी की मर चुकी, अब वह कहां है, पर तुम कौन हो? बुढ़िया ने शेल्डन को घूर घूर कर देखा और पहचानने के बारे में आश्वस्त होकर बोली, लुइगी ब्रोंदोनो, तुम तो इतने अरसे बाद लौटे, अब तक कहां रह रहे थे? इतना कहकर बुढ़िया हवा में गायब हो गई तो शेल्डन और भी अधिक अचकाया। उसे ऐसा लगा मानो किसी जादू की नगरी में घूम रहा है। अपरिचित जगह में ऐसे परिचय मानो सब कुछ उसका जाना पहचाना ही हो। बुढ़िया भी उसकी जानी पहचानी हो। घर भी गली भी ऐसी है
मानो वहां मुद्दतों से रहा हो। मारिया मानो उसकी कोई अत्यंत घनिष्ठ परिचित हो। हतप्रभ शेल्डन को एक बात सूझी। वह सीधा पुलिस स्टेशन गया और आग्रह पूर्वक यह पता लगाने लगा कि क्या कभी कोई मरिया नामक लड़की वहां रहती थी। क्या वह कत्ल में मरी? तलाश कुतूहल की पूर्ति के लिए की गई थी, पर आश्चर्य यह है कि 122 वर्ष पुरानी एक फाइल ने उस घटना की पुष्टि कर दी। पुलिस रिकॉर्ड के कागजों ने बताया कि उसी मकान में मारिया बुइसाकारा नेबू नामक एक 19 वर्षीय लड़की रहती थी। उसकी घनिष्ठता एक 25 वर्षीय युवक लुइगी ब्रोंदोनो नामक युवक से थी। दोनों में अनबन हो गई तो युवक ने छुरे से उस लड़की पर हमला कर दिया और कत्ल करने के बाद इटली छोड़कर किसी अन्य देश को भाग गया। तब से अब तक उसका कोई पता नहीं चला। शेल्डन को यह विश्वास पूरी तरह जम गया कि वही पिछले जन्म में मारिया का प्रेमी और हत्यारा था। यह तथ्य उसे न तो स्वप्न प्रतीत होता था और न भ्रम, वरन जब भी चर्चा होती उसके कहने का ढंग ऐसा ही होता मानो किसी यथार्थ तथ्य का वर्णन कर रहा है। इस घटना को परामनोवैज्ञानिकों ने अपनी शोध का विषय बनाया, शेल्डन से लंबी पूछताछ की, पुलिस कागजात देखे और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जो बताया गया है उसमें कोई बहकावा या अतिशयोक्ति नहीं है। इस प्रकार की अन्य घटनाओं के विवरणों पर गंभीर विचार करने के बाद शोधकर्ता इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अतींद्रिय चेतना की स्फुरणा से ऐसी घटनाओं की स्मृति भी सामने आ सकती है जिनका न तो वर्तमान काल से कोई सीधा संबंध है और न अनुभव करने वाले व्यक्ति को इस तरह की कोई जानकारी या जिज्ञासा। ये स्मृतियां पूर्व जन्म की ही हो सकती हैं। कोपेनहेगन डेनमार्क में एक 6-7 वर्षीय बालिका थी। उसका नाम था लूनी मार्कोनी। जब वह 3 वर्ष की थी तभी से वह अपने माता पिता से कहती रहती कि वह फिलीपींस की है और वहां जाना चाहती है। उसके पिता एक रेस्टोरेंट के स्वामी हैं। वह अपना नाम मारिया एस्पिन बताती। यह बच्ची अपने पूर्व जन्म के संस्मरण इतनी ताजगी से सुनाती जैसे वह अभी कल परसों की ही बात हो। उसने यह भी बताया कि उसकी मृत्यु 12 वर्ष की आयु में बुखार आने के कारण हुई थी। लड़की के दावों की जांच करने के लिए परामनोविज्ञान के शोधकर्ता प्रोफेसर श्री हेमेंद्रनाथ बनर्जी फिलीपींस गए। वहां उन्होंने सारी बातें सत्य पाई। यह 1968 से 1969 के लगभग की बात है। ब्रिटेन के सुप्रसिद्ध साहित्यकार डिक्सन स्मिथ बहुत समय तक मरणोत्तर जीवन के संबंध में अविश्वासी रहे। पीछे उन्होंने प्रामाणिक विवरणों के आधार पर अपनी राय बदली और वे परलोक एवं पुनर्जन्म के समर्थक बन गए। उन्होंने अपनी पुस्तक न्यू लाइट ऑन सर्वाइवल में उन तर्कों और प्रमाणों को प्रस्तुत किया है जिनके कारण उन्हें अपनी सम्मति बदलने के लिए विवश होना पड़ा। हॉलीवुड के प्रसिद्ध सिनेमा अभिनेता ग्लेन फोर्ड ने भी अपने पूर्वजनों का वृत्तांत बताकर वैज्ञानिकों परामनोवैज्ञानिकों का ध्यान आकर्षित किया है। एक दिन अचानक अंग्रेजी में बात करते हुए उन्होंने अपना परिचय 19वीं सदी के एक संगीत शिक्षक के रूप में दिया। पियानो पर उन्होंने 19वीं सदी की एक प्रचलित धुन भी सुनाई, जबकि इस जीवन में उन्हें पियानो का कोई अभ्यास न था। खोजबीन करने पर मालूम हुआ कि उक्त संगीतज्ञ की मृत्यु 1891 में क्षय रोग के कारण हुई थी तथा वह एक प्रख्यात संगीतज्ञ था। ग्लेन फोर्ड द्वारा बताए गए सारे विवरण सही पाए गए। वस्तुतः पिछले 4 दशकों में वैज्ञानिकों का चिंतन काफी सीमा तक बदला है एवं उन्होंने प्रमाणों साक्ष्यों के आधार पर तथ्यों को मान्यता देना स्वीकार कर लिया है। वैज्ञानिकों की अधिकाधिक संख्या का परामनोविज्ञान में रुचि लेना यही बताता है। पुनर्जन्म के घटना प्रसंग इन वर्षों में बड़ी संख्या में प्रकाश में आए हैं। सन 1951 में सहारनपुर में भी एक ऐसी ही घटना घटी। इस घटना का विवरण बाद में धर्मयुग और नवनीत के भूतपूर्व संपादक श्री सत्यकाम विद्यालंकार ने नवनीत पत्रिका में प्रकाशित किया था। श्रीमती वंदना का परिवार सहारनपुर के संपन्न और प्रतिष्ठित परिवारों में से एक था। एक दिन उन्हें डाक से चिट्ठी मिली कि 2 साल की एक लड़की बार बार आपके परिवार से संबंधित होने की बात कहती है। उसके माता पिता संकोचवश कुछ कहना नहीं चाहते, लेकिन मुझे विश्वास है कि यह पुनर्जन्म का मामला है। पत्र में उस परिवार से संपर्क करने का निवेदन भी किया गया था। पहले तो श्रीमती वंदना ने इसे फ्रॉड समझा और पत्र पर कोई ध्यान नहीं दिया। एक बार जब वे सहारनपुर के ही
एक महिला आश्रम के कार्यक्रम में सम्मिलित होने जा रही थी तो एक बालिका उनके पास आई, साथ में उसकी मां भी थी। उस बालिका ने वंदना जी की ओर इशारा कर कहा, ये रही मेरी भाभी और ये गुड्डी है। श्रीमती वंदना जानती थी कि दो ही लड़कियां उन्हें भाभी कहती थी। एक तो उनकी स्वर्गीय लड़की सुधा, जिसकी 21 वर्ष की आयु में 4 साल पहले मृत्यु हो चुकी थी, और दूसरी जयमाला, जिसे बालिका ने गुड्डी कहा था और उस समय यह श्रीमती वंदना के पास ही बैठी थी। गुड्डी जयमाला का बचपन का नाम था, अब उसे सभी जयमाला कहकर पुकारते थे। श्रीमती वंदना को एकाएक कुछ दिनों पहले मिली चिट्ठी की याद आ गई, पर उनका मन इस बात पर विश्वास करने को नहीं हो रहा था। उक्त बालिका, जिसका नाम सरला था, वंदना जी की गोदी में आकर बैठ गई। सरला की माँ उस समय महिला आश्रम द्वारा चलाए जा रहे स्कूल में अध्यापिका थी और वंदना के पति सेठ लक्ष्मण प्रसाद उस स्कूल के प्रबंधकों में से थे। कई तरह के सवाल जवाब के बाद वंदना जी सरला को अपनी कोठी ले गईं, ताकि वास्तविकता का पता लगाया जा सके। वंदना जी की कार जैसे ही कोठी के सामने पहुंची, वैसे ही सरला जी ने अपनी सीट पर से उतरते हुए कहा, आ गई मेरी कोठी। कार में से सबसे पहले सरला जी ही उतरी। उतरते ही वह कोठी के अंदर तेजी से इस तरह दौड़ती चली गई जैसे वह कोठी उनकी जानी पहचानी हो। सरला ने कोठी में पिछले जन्म की अपनी अलमारी, पुस्तकों, कपड़ों और अन्य वस्तुओं के बारे में बताया, जो अक्षरशः सत्य निकली। 9 साल की आयु तक सरला को अपने पिछले जन्म की सभी बातें याद रही। बाद में वह उन बातों को धीरे धीरे भूलने लगी। इस घटना का विवरण लिखते हुए बाद में श्री विद्यालंकार ने लिखा, पिछले दिनों यात्रा में मुझे श्रीमती वंदना, जिनकी आयु लगभग 65 वर्ष थी, मिली। उन्होंने मुझे यह घटना बताई। यह घटना आत्मा की जन्म जन्मांतरों में होने वाली यात्रा का समर्थन करती है। पूर्व जन्म संबंधी इस घटना के ये अनुभव पूरी तरह प्रामाणिक हैं, ऐसा मेरा विश्वास है, क्योंकि श्रीमती वंदना से मैं स्वयं बहुत अच्छी तरह परिचित हूँ। 8 अगस्त 1980 दैनिक पत्र हिंदुस्तान के रविवार अंक में छपी पुनर्जन्म की एक और घटना उल्लेखनीय है। सिम्मी नामक एक बालिका का जन्म ग्राम बस्सी पढ़ाणा, जिला पटियाला, पंजाब के निवासी ईश्वरी दास पाठक के घर 2 फरवरी 1976 को हुआ। एक दिन अपने माता पिता से बोली कि मैं अपने पति मोहिंदर सिंह को देखना चाहती हूँ। बालिका ने उक्त व्यक्ति का पता भोजपुर बाजार सलापड़ मंडी के निकट बताया। बारंबार आग्रह करने पर वास्तविकता का पता लगाने के लिए उसके पिता उक्त ग्राम में पहुंचे। पूछताछ द्वारा मालूम हुआ कि मोहिंदर सिंह नामक एक ड्राइवर है, उसकी पत्नी कुछ वर्ष हुए मर गई। उसने मोहिंदर सिंह को देखते ही पहचान लिया तथा बताया कि पूर्व जन्म के उसके पति हैं। बालिका ने अनेक ऐसे प्रामाणिक घटनाओं का भी उल्लेख किया जिसकी जानकारी मात्र मोहिंदर सिंह एवं उसकी पत्नी को थी। इसी आधार पर यह घटना विश्वस्त व प्रामाणिक मानी गई। सन 1953-54 में अमेरिका के मर्सर नाम के एक कस्बे में एक साधारण परिवार में जुड़वा लड़कियों ने जन्म लिया। एक का नाम रखा गया गेल और दूसरी का सुसान। दोनों को ही खेलने कूदने का बड़ा शौक था और पढ़ाई लिखाई में उनका कम ही मन लगता था। पर जैसे जैसे दोनों बड़ी होने लगी, गेल गंभीर रहने लगी और ऐसी बातें कहने लगी जो उसने न तो कभी पढ़ी थी और न ही सुनी थी। उदाहरण के लिए वह कुछ यहूदियों के नाम लेती। आरंभ में तो वह अपनी बहन से ही इस तरह की बातें करती, परंतु पिता को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने पूछा, तुम इन लोगों को कैसे जानती हो? यहाँ आसपास तो कोई यहूदी नहीं है। गेल ने बताया कि ये लोग जर्मनी के हैं और पिछले जन्म में उसके साथ रहे थे। इन लोगों के साथ वह हिटलर के यातना शिविर में रही थी और उस शिविर में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। गेल बार बार इस तरह की बात दोहराती तो उसके पिता ने अमेरिका के एक पुनर्जन्म विशेषज्ञ को यह सब बताया। परामनोविज्ञान शास्त्री डॉक्टर जूल हर्ट ने इस मामले की गंभीरता से जांच की और पाया कि गेल जो भी बातें कहती है वे सब सही हैं। तथ्यों के रूप में उनके प्रमाण भी प्राप्त हुए हैं। आश्चर्य की बात तो यह है कि ईसाई परिवार में जन्म लेने के बावजूद भी गेल अपने को यहूदी मानती थी। 18 साल की आयु में भी उस पर पिछले जन्म के संस्कार इतने प्रभावशाली थे कि वह अपने कस्बे के गिरजे में न जाकर वहां से 15 मील दूर स्थित यहूदियों के उपासना गृह में जाती थी। पुनर्जन्म के प्रभाव स्वरूप ऐसे ही
एक नहीं असंख्य घटनाएं हैं। आए दिन इस तरह की एक न एक घटना प्रकाश में आती ही रहती है और इस तथ्य को प्रमाणित करती है कि मृत्यु जीवन का अंत नहीं है, वरन जीवन यात्रा मील का एक पत्थर है जिसे पार करने के बाद यात्रा की और भी मंजिलें आती हैं। अस्तु, मृत्यु से डरने का कोई कारण नहीं। यह निश्चित है कि एक बार जन्म लिया है तो मृत्यु निश्चित रूप से आएगी ही। मृत्यु को निश्चित और अनिवार्य जानकर उससे भयभीत न हो और न ही उससे घबराएं। जन्म और मरण का युग्म है। इसी तथ्य को स्पष्ट करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, नत्वेवाहं जातु नासं नत्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम् देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर् धीरस्तत्र न मुह्यति। कदाचित मैं नहीं था और तुम नहीं थे, ऐसी भी बात नहीं है और ये राजा भी नहीं थे, ऐसी भी बात नहीं। इतना ही नहीं, इसके बाद हम सभी नहीं होंगे, ऐसी बात भी नहीं। जिस प्रकार इस देह में कुमार, युवा और युवावस्था होती है, उसी प्रकार इस आत्मा को दूसरी देह प्राप्त होती है। आर्ष मान्यताओं की पुष्टि अब अनेक वैज्ञानिकों द्वारा की जा रही है। आत्मा अविनाशी है, सनातन है, वह न कभी नष्ट होगी और न उसका क्षय होगा। अपने चिंतन में हर पल इस मान्यता को जड़ जमा कर बैठा रखना ही आस्तिकता के तत्व दर्शन को जीवन में उतारना है। एक सच्चाई जिसे नकारा नहीं जा सकता। परामनोविज्ञान के आधुनिक अनुसंधानों के क्रम में ऐसे अनेक प्रमाण एकत्रित किए गए हैं जिनसे मनुष्यों की पूर्व जन्म की स्मृति होने के प्रमाण मिलते हैं। ऐसे अन्वेषणों में प्रोफेसर राइन की खोजें बहुत विस्तृत और प्रामाणिक मानी गई हैं। उनके आधार पर अन्यत्र भी इस दिशा में बहुत सी जांच पड़ताल हुई है। इस खोजबीन के निष्कर्ष इस मान्यता का पलड़ा भारी करते हैं कि आत्मा का अस्तित्व मरने के बाद भी बना रहता है और वह पुनर्जन्म धारण करती है। हिंदू धर्म में आत्मा की अमरता एवं पुनर्जन्म की सुनिश्चितता को आरंभ से ही मान्यता प्राप्त है, किंतु संसार में दो प्रमुख धर्मों ईसाई और इस्लामी धर्मों के बारे में ऐसी बात नहीं है। उनमें मरणोत्तर जीवन का अस्तित्व तो माना जाता है, पर कहा जाता है कि वह प्रसुप्त स्थिति में बना रहता है। किंतु अब मिल रहे प्रमाणों से यह कट्टर मान्यता क्रमशः कम होती जा रही है। विज्ञान और बुद्धिवाद के समन्वय ने यह नई दृष्टि दी है। अस्तु, पाश्चात्य देशों में तथ्यों पर ध्यान देने की प्रवृत्ति से पुनर्जन्म के संबंध में भी जांच पड़ताल करने पर जो तथ्य सामने आए उन पर विचार करने के संबंध में उत्साह उत्पन्न हुआ है। 19वीं शताब्दी में यूरोप में सबसे पहली किताब फ्रेडरिक स्पेंसर ओलिवर द्वारा लिखित एन अर्थ ड्वेलर्स रिटर्न थी, जिसमें उसने अपने पिछले 42 जन्मों का हाल लिखा था। उसका कथन था, यह पुस्तक उसने नहीं लिखी किंतु किसी दिव्यात्मा ने उसके शरीर में प्रवेश करके लिखाई है। इस पुस्तक के पीछे तर्क और प्रमाण न होने से उसे विश्वस्त तो नहीं माना गया, पर जब उसमें की गई भविष्यवाणियों में से कितनी ही सिद्ध हुई तो वह बहुचर्चित अवश्य बन गई। इसके बाद मनोविज्ञान और चिकित्सा शास्त्र में समान रूप से ख्याति प्राप्त डॉक्टर जीना सरमी नारा द्वारा लिखित मैनो मेंशन का नंबर आता है, जिसमें ऐसे कितने ही आधार प्रस्तुत किए गए हैं जिनसे शरीर न रहने पर भी आत्मा का अस्तित्व बना रहने तथा फिर से जन्म होने की बात पर विश्वास जमता है। अमेरिका के कैंटकी प्रांत में होपकिंस विले नामक व्यक्ति देहात में हुआ। वह अपने अन्य परिवारियों की भांति नाम मात्र को ही शिक्षित था। उसे सम्मोहन विद्या से वास्ता पड़ा। वह उस तंद्रा में ऐसी बातें करने लगा जिन्हें अतीन्द्रिय अनुभूतियों की संज्ञा मिलने लगी। आरंभिक दिनों में वह रोगियों के कष्ट, निदान एवं उपचार के संबंध में तंद्रित स्थिति में परामर्श देता था, जो लाभदायक सिद्ध होते थे। फिर उसमें पिछले जन्मों का हाल बताने की नई क्षमता जागी। उसने सैकड़ों के पूर्व जन्मों के विवरण बताए और वे सभी ऐसे थे जो तलाश करने पर सही प्रमाणित हुए।
इन प्रमाणों की साक्षी कहां से प्राप्त की जाए? इस संदर्भ में उसने अनेकों सरकारी और गैर सरकारी कागजों में दर्ज ऐसे पुराने विवरण बताए जिनका साधारण रीति से पता लगाना अति कठिन था। साक्षी रूप में वे ढूंढे गए तो जैसा कि उल्लेख बताया गया था, ठीक उसी रूप में उसी तरह वह सब मिल गया। इसी प्रकार उसने ऐसे विवरण भी बताए जिनमें पुराने जन्मों के दुष्कर्मों का फल इस जन्म में मिलने के सिद्धांत की प्रामाणिकता सिद्ध होती है। इन कष्ट पीड़ितों में अधिकांश विकलांग एवं रोगी थे। उन्हें यह विपत्ति किस कारण उठानी पड़ रही है, इसके संदर्भ में विवरण बताए गए, वे भी उस कथन की पुष्टि के लिए सबल साक्षी थे। इनकी प्रामाणिकता भी बताए घटनाक्रम के साथ भली प्रकार खोजी गई और जो बताया गया था वह सही मिला। इस प्रकार होपकिंस विले रोगों की चिकित्सा, पूर्व जन्म और कर्म फल के तीनों तथ्यों पर ऐसे रहस्यमय प्रकाश डालता रहा जो इससे पूर्व इतनी अच्छी तरह कभी भी सामने नहीं आए थे। सम्मोहन विद्या के उपयोग द्वारा पुनर्जन्म सिद्धांत की प्रामाणिकता को पुष्ट करने वाले ऐसे ही एक व्यक्ति और हुए हैं। उनका नाम था कर्नल डिरोचाज। दिसंबर 1904 का एक दिन एक फ्रांसीसी इंजीनियर के घर खचाखच भीड़ से भरे वातावरण में अधेड़ आयु के व्यक्ति कर्नल डिरोचार्ज ने प्रवेश किया। कर्नल को देखते ही लोगों में खामोशी छा गई। एक सर्वथा विचित्र प्रयोग था। ये लोग पुनर्जन्म के प्रमाण देखने उपस्थित हुए थे। कर्नल ने इंजीनियर की लड़की मेरी मेव को स्वच्छ आसन पर बैठाया। उसकी दृष्टि में अपनी दृष्टि डालकर वे कुछ क्षणों तक एकटक देखते रहे। थोड़ी ही देर में लड़की की बाह्य चेतना शून्य हो चली। कर्नल ने उसे आहिस्ता से लिटा दिया और उसकी देह को हल्की काली चादर से ढक दिया। देव योग से कर्नल डिरोचाज ने भारतीय दर्शन की इस मीमांसा की अनुभूति कर ली थी। वे मैस्मेरिज्म के सिद्ध थे और इस विद्या द्वारा जीवन के गूण रहस्यों का पता लगाने में सफल हुए थे। उन्होंने न केवल फ्रांस वरन सारे यूरोप को यह बताया था कि जीवन के बारे में पाश्चात्य मान्यता भ्रामक और त्रुटिपूर्ण है। हमें इस संबंध में अंततः भारतीय दर्शन की ही शरण लेनी पड़ेगी। अपने इस कथन को प्रमाणित करने के लिए ही वे यह प्रयोग कर रहे थे। उस प्रयोग को देखने के लिए फ्रांस के बड़े शिक्षाविद और वैज्ञानिक भी उपस्थित थे। मेरी मेव के पिता सीरिया में इंजीनियर थे। मेरी प्रतिभाशाली लड़की थी। मैस्मेरिज्म द्वारा उसे अचेत कर लिटा देने के बाद कर्नल साहब ने उपस्थित लोगों की ओर देखकर कहा, अब मेरा इस लड़की के सूक्ष्म शरीर पर अधिकार है। मैं इसे काल और ब्रह्मांड की गहराइयों तक ले जाने और वहां के सूक्ष्म रहस्यों का ज्ञान करा लाने में समर्थ हूं। किसी जमाने में भारत में प्राण विद्या के आधार पर प्राणों द्वारा आरोग्य प्रदान करने, गुप्त रहस्य ढूंढने के प्रयोग हुआ करते थे। कर्नल डिरोचाज का यह प्रयोग भारतीय सिद्धांतों का प्रत्यक्ष प्रमाण है। यह अनेक विलायती पत्रों में छपा था। पीछे इसे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने मासिक सरस्वती में छपाया था। उसी से यह घटना आध्यात्म की पुस्तक के लिए उद्धृत की गई। यह पुस्तक इंडियन प्रेस लिमिटेड प्रयाग से प्रकाशित हुई थी। कर्नल डिरोचाज अब प्रयोग के लिए तैयार थे। उन्होंने मेरी मेव को संबोधित कर पहला प्रश्न किया, अब तुम्हें कैसा अनुभव हो रहा है, क्या दिख रहा है? प्राण पाश में बद्ध अचेतन कन्या ने उत्तर दिया, मैं नीले और लाल रंग की छाया देख रही हूं। यह प्रकाश मेरे भौतिक शरीर से अलग हो रहा है और मैं अनुभव कर रही हूं कि मैं शरीर नहीं, प्रकाश जैसी कोई वस्तु हूं। अब मैं अपने शरीर से एक गज के फासले पर स्थित हूं, पर जिस तरह विद्युत कण एक रेडियो और रेडियो स्टेशन से संबंध किए रहते हैं, उसी प्रकार मेरा यह शरीर एक रस्सी की तरह पार्थिव शरीर से बंधा हुआ है। मेरे इस रंगीन प्रकाश शरीर के भीतर दिव्य ज्योति परिलक्षित हो रही है। मैं यही तो आत्मा हूं। कर्नल ध्यानावस्थित हो गए। उन्होंने कहा, मेव, तुम अपनी वर्तमान आयु से कम आयु की ओर चलो और क्रमशः छोटी आयु की ओर चलते हुए यह बताओ कि तुम इस शरीर में आने के पूर्व कहां थीं, कौन थीं? कर्नल के प्रश्न बड़े विचित्र लग रहे थे, पर उनमें एक अदृश्य सत्य झांक रहा था। उपस्थित जन समुदाय स्तब्ध बैठा सारी गतिविधियों को देख सुन रहा था। जब यह प्रयोग हो रहा था, मेरी मेव 18 वर्ष की थी।
अब वह बोली, मैं 16 वर्ष की आयु के दृश्य देख रही हूं, अब 14, अब 12 और अब 10 की आयु के चित्र मेरे सामने हैं। इस समय मैं मार्सेल्स में हूं, अपने पिता के साथ एक विस्तृत जीवन के दृश्य मेरे सामने हैं। अब मैं क्रमशः छोटी होती जा रही हूं। फिर वह कुछ देर तक चुप रही, फिर बताना प्रारंभ किया, अभी अभी मैं 1 वर्ष की थी, बोल नहीं पाई, अब मैं अपने पूर्व जन्म के शरीर में हूं। इस शरीर से निकलने के बाद मुझे किसी अज्ञात प्रेरणा ने मेरी मेव के शरीर में पहुंचा दिया था। अब मैं पहले जन्म के शरीर में छोटी हो रही हूं और देख रही हूं कि यह ग्रेट ब्रिटेन का समुद्री तट है। मैं एक मछुए की लड़की हूं, मेरा नाम लीना था। 20 वर्ष की आयु में मेरी शादी हुई, मेरी एक कन्या हुई, वह 2 वर्ष की आयु में मर गई। मेरा पति मछलियां मारता था, उसके पास एक छोटा सा जहाज था, वह समुद्री तूफान में नष्ट हो गया, उसी में पति की मृत्यु हो गई। मैं बहुत दुखी हूं, मैं भी समुद्र में डूबकर मर गई हूं। मछलियों ने मेरा शरीर खाया, मैं वह सब देख रही हूं। इस सूक्ष्म शरीर में मैंने वैसी ही अनेक आत्माएं देखी। मैंने कुछ बात भी करनी चाही पर मेरी बात ही किसी ने नहीं सुनी। मैं पति और बच्चे की याद में भटकती फिरी, वे मुझे मिले नहीं। हाँ, एक नया शरीर अवश्य मिल गया। यहां तक जो कुछ मेरी ने बताया, पीछे जांच करने पर वह प्रामाणिक तथ्य निकला। ऐसी ही घटना का विवरण एक रूसी विचारक ने दिया है। बात उन दिनों की है जब रूस में क्रांति मच रही थी। वहां के डेनियल वेवरेस्की नामक प्रसिद्ध विचारक उन दिनों चीन में एक लामा के बारे में उत्सुक थे। उन्होंने सुन रखा था कि वह किसी भी भूतकालीन घटनाओं को स्वप्न में दिखा देने की क्षमता रखता है। श्री वेवरेस्की उस तांत्रिक से एक बौद्ध मंदिर में मिले और उस तरह का प्रयोग देखने की इच्छा प्रकट की। लामा ने एक नव युवक पर प्रयोग करके दिखाया। योग निद्रा द्वारा स्वप्न की अनुभूति कराने के बाद लामा ने पाल नामक इस युवक से पूछा, तुमने क्या देखा? उसने बताया, मैंने देखा कि मैं रूस के सेंट पीटर्सबर्ग नगर में हूं। मेरी प्रेमिका एक बड़े शीशे के सामने खड़ी श्रृंगार कर रही है। उसे उसकी दासियां क्रॉस ऑफ अलेक्जेंडर हीरे की अंगूठियां पहना रही हैं। मैंने मना किया कि तुम यह अंगूठी मत पहनो। मैंने सारी बातचीत रूसी भाषा में ही की। अपने प्रेमिका से मिलन का यह स्वप्न बड़ा ही मधुर था। तभी एक दूसरा स्वप्न भी दिखाई दिया। मैंने अपने आप को एक परिवर्तित दृश्य में निर्जन रेगिस्तान में पाया। मेरे 2 बच्चे भूख से तड़प रहे हैं पर मैं उनके लिए भोजन नहीं जुटा पाया। मुझे एक ऊंट ने हाथ में काट लिया। मेरा अंत बड़ी दुखद स्थिति में हुआ। अपने सम्मुख यह घटना देखने के बाद डॉक्टर वेवरेस्की रूस लौटे। देवयोग से एक बार सेंट पीटर्स में उनकी भेंट एक स्त्री से हुई। उससे इस बात का क्रम चल पड़ा तो वह एकाएक चौंकी और बोली, आप जिस महल की बातें बता रहे हैं वह मेरा ही मकान है। मेरे पास क्रॉस ऑफ अलेक्जेंडर हीरे की अंगूठी भी थी। मैंने उसे कई बार पहनना चाहा, किंतु मेरा प्रेमी रास्पुटिन इसे पसंद नहीं करता था। ठीक जिस प्रकार आपने पाल की घटना सुनाई, वह मुझे यह अंगूठी पहनने से रोकता था। डॉक्टर वेवरेस्की उस स्त्री के साथ उसके घर गए। हूबहू वही दृश्य जो स्वप्न में देखकर पाल ने बताए थे, वे आश्चर्यचकित रह गए और माना कि स्वप्न सत्य था, तथा यह भी कि जीवात्मा के पुनर्जन्म का सिद्धांत मिथ्या नहीं है। वे सहारा जाकर दूसरी घटना की भी जांच करना चाहते थे पर कोई सूत्र न मिल पाने से वे निराश रह गए। पर सत्य था कि उनको जितनी भी जानकारियां मिली, उन्होंने इन मान्यताओं का समर्थन ही किया। इन घटनाओं का उल्लेख प्रोफेसर वेवरेस्की ने अपने ग्रंथ द मेकर्स ऑफ हेवनली ट्रेजर्स में किया है। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। अर्जुन, मेरे और तुम्हारे अनेक जन्म बीत गए हैं। ईश्वर होकर मैं उन सबको जानता हूं, परंतु हे परंतप, तू उसे नहीं जान सका। थियोसॉफी के जन्मदाताओं में से एक सर ओलिवर लाज ने लिखा है, जीवित और मृत भेद स्थूल जगत तक ही सीमित है। सूक्ष्म जगत में सभी जीवित हैं। मरने के बाद आत्मा का अस्तित्व समाप्त नहीं होता। जिस प्रकार हम जीवित लोग परस्पर विचार विनिमय करते हैं,
उसी प्रकार जीवित और मृतकों के बीच में आदान प्रदान हो सकना संभव है। हमें विज्ञान के इस नए क्षेत्र में प्रवेश करना चाहिए और एक ऐसी दुनिया के साथ संपर्क बनाना चाहिए ताकि हम विश्व परिवार को कहीं अधिक सुविस्तृत, सुखी और प्रगतिशील बना सकें। सर आर्थर कानन डायल भी इसी विचार के थे। वे कहते थे कि अपनी दुनिया की ही तरह एक और सचेतन दुनिया है जिसके निवासी न केवल हमसे अधिक बुद्धिमान हैं, वरन शुभचिंतक भी हैं। इन दोनों संसारों के बीच यदि आदान प्रदान का मार्ग खुल सके तो इसमें स्नेह संवेदनाओं का सुखद सहयोग का एक नया अध्याय प्रारंभ होगा। मृतकों और जीवितों के बीच संपर्क स्थापना का प्रयास यदि अधिक सच्चे मन से किया जा सके तो अब तक की प्राप्ति वैज्ञानिक उपलब्धियों से कम नहीं वरन बड़ी सफलता ही मानी जाएगी, तथा यह भारतीय प्रतिपादन पुष्ट हो जाएगा कि जन्म और मृत्यु मात्र स्थूल जगत की घटनाएं हैं। न जायते मियते वा कदाचिन्नान्यम्। आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।